युवा कांग्रेसी नेता मोहित लाठरे आज महिला प्रभारी के साथ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत दुकानदारों से समस्या सुनते नजर आए और आज के कार्यक्रम को लेकर मोहित लाठरे ने क्या कहा ये जानते हैं। ये जो आज अपना मेन बाजार है नदिया पर जुलाना का, यहाँ पर हम आज लोगों से आज मिलने आए हैं। युवा की है हमारी, हरियाणा की अभी प्रभारी है जी, दिल्ली से आई हैं, लोगों से यहाँ पे मिलने के लिए आई हुई हैं। लोगों जो ये लोकसभा का भागन चुनाव आना है जी, ये उसके कंपेनिंग के लिए लोगों से अभी यहाँ पे दुकानों पे बिल्कुल डोर टू डोर ये जाएंगे। उनके अभी फोन नंबर भी दिए ले रहे हैं, ये उनको कांग्रेस पार्टी से जोड़ने लग रहे हैं। कितने दिन का प्रोग्राम है ये तो है ना, जब तक अपना लोकसभा भी है विधानसभा भी है जी, जब तक इन चलता रहेगा। मैडम आप आज जुलाना में पहुंची हैं, तो आज का जो कार्यक्रम डोर टू डोर का किस तरह कार्यक्रम? देखिए मैं पहले भी हरियाणा प्रदेश की प्रभारी रह चुकी हूँ और सेकंड टाइम में हरियाणा प्रदेश में इंचार्ज बन के आई हूँ जी, जी। और हमारा जो अभियान है वो है हर 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 घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस जी जी जी। मतलब हम जो है हर घर को टच कर रहे हैं जी, हर घर में पहुँच रहे हैं, डोर टू डोर के माध्यम से लोगों में मैसेज दे रहे हैं कि प्रदेश सरकार के जो खस्ता हालात हैं उनकी नाकामियों को देखते हुए जनता जो हताश निराश है उनके दुख दर्द है उनको पूछने जा रहे हैं और जनता से हमें सपोर्ट भी मिल रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरह से अभी जुलाना मार्केट में हम डोर टू डोर कर रहे हैं तो लोगों का काफ़ी सपोर्ट हमें मिल रहा है और हम जो हैं आगे लोगों में मैसेज दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। जिस तरह से इन्होंने महंगाई की है, जिस तरह इन्होंने बेरोजगारी और युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है और जिस तरह इन्होंने झूठ बोलने का काम जुमलेबाजी की तरह किया हुआ है और जनता सब जानती है, आज हर घर में जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जनता जुड़ चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज प्रदेश की जनता का सपोर्ट और केंद्र की जो सरकार है, इस बार हम जो है बदलाव करेंगे, कांग्रेस की सरकार जो है इस बार केंद्र में बैठेगी। जबकि बीजेपी तो ये कह रही है कि इनके पास तो उम्मीदवार भी नहीं, हमने एक महीने पहले उम्मीदवार घोषित कर दिए। देखिए ये भाजपा की जो केंद्र सरकार है ये बदले की भावना से काम कर रही है, प्राइवेट एजेंसियां इन्होंने बना के रखी हैं, चाहे बात ईडी की है चाहे सीबीआई की है। जब कोई कहता है कि मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, सबसे पहले उसके घर पे रेड डलवाते हैं, उसको दबाव बनाने का काम करते हैं और उसके बाद ये जब ये भाजपा में चले जाते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार या कांग्रेस का कार्यकर्ता, तो ये पूरा वॉशिंग मशीन की तरह उसको धुलवा कर देते हैं। ये कहते हैं कि अब तो बिल्कुल साफ हो गया, अब तो ना ये भ्रष्टाचारी है ना इसके ऊपर कोई दाग है। जब तक वो किसी अदर पार्टी में रहता है तो इनका कहने का मतलब है कि ये भ्रष्टाचारी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, ये वोट की राजनीति नहीं है, ये देश का भविष्य की बात है। कितनी सीटें जीत पाए कांग्रेस इस बार? बात हरियाणा की कर रहे हैं, हरियाणा प्रदेश में देखो हमारी लोकसभा की 10 सीटें हैं और 10 की 10 सीटों पे हम जो है बदलाव करेंगे, 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी की। आपके पूर्व मुख्यमंत्री तो चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं कि पीछे क्या हुआ था आपने देखा था, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए हम ये कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं और हमारी जो हाईकमान है, जो हाईकमान का निर्देश होता है वो सर्वोपरि होता है जी जी। कोई मना नहीं कर रहा, कोई हाँ नहीं कर रहा, जिसको पार्टी उतार देती है मैदान में वो चुनाव लड़ता है और भाजपा के पास अपने उम्मीदवार तक नहीं है, भाजपा के पास कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन भाजपा कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से दबाव बना के उन कैंडिडेटों को लेके जा रहे हैं और उसी को उम्मीदवार बना रहे हैं। आपने देखा होगा कुरुक्षेत्र का मुद्दा, नवीन जिंदा जी को किस तरह से इन्होंने ईडी और सीबीआई के झांसे में लेके अभी ज्वाइन करवा के एक साइड इस्तीफा दिया, दूसरी साइड बीजेपी ने ज्वाइन करवाया, तीसरी साइड जो है टिकट दे दिया जी जी। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके दबाव बना रहे हैं। आज जुलाना की जनता से रूबरू है, मैंने बाजार में पूछा किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्याओं का सामना लोगों के छोटे छोटे मुद्दे हैं, स्कूलों के मुद्दे हैं, आपके हॉस्पिटल के मुद्दे हैं, इनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जनता कोई बड़ी डिमांड नहीं करती है, जनता करती है जो आम मुद्दे होते हैं जी जी। अब हर घर में बेरोजगार बैठा है, सबके बच्चों को नौकरी चाहिए, छोटे छोटे गलियां रोड टूटे हैं उसमें सुविधाएं चाहिए, हर घर में रोड पहुंच जाए, बसेस की सुविधा मिल जाए, हॉस्पिटल की सुविधा मिल जाए, यही जनता के मुद्दे हमने देखे हैं। जबकि बीजेपी तो कह रही है कि फ्री में बिना पर्ची बिना खर्चे की नौकरी दी है। बीजेपी सिर्फ कहने का काम करती है लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ बोलने का काम करती है। अगर आज कहीं भी किसी भी बिल्डिंग के बाहर हम खड़े होते हैं और जब भी हम तो सिर्फ ये कहते हैं, लोगों में मैसेज दे रहे हैं कि आप जो है गूगल के माध्यम से सिर्फ किसी भी स्कूल कॉलेज के बाहर आप खड़ते हैं
ये डिटेल डालो कि कौन स्कूल किसने बनाया है। तो एक ईंट लगाने का काम भी देश के अंदर जो है बीजेपी ने नहीं किया है, और 10 साल में ये कहते हैं ना कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में कुछ नहीं किया, हम ये कहते हैं कि 10 साल में इनसे कुछ नहीं हुआ। आज हिंदुस्तान के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां हैं और जितने हाईवेज मेट्रो स्टेशन ये सारे कांग्रेस पार्टी की देन है। भाजपा से सिर्फ जुमलेबाजी करती है और सरकार गिराने के जो साजिश है वो करती है और इनके हाथ में कुछ नहीं है। योर गुड नेम? अरुणा महाजन, मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। आज प्रदेश कांग्रेस पार्टी जो है वहाँ सरकार बना चुकी है और वही मुद्दे हम जनता में बता रहे हैं कि जो कमिटमेंट वहाँ की थी वो पूरी हो चुकी है और जो यहाँ पे कमिटमेंट करेंगे वो पूरी करेंगे। धन्यवाद।